टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो आज मैं पहुंचा हूं बोकारो के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फुटरी में। और आइए आज यहां के हॉस्टल्स में मैं आ गया हूं और देखता हूं यहां के हॉस्टल में बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि यहां पर कॉलेज का प्लेसमेंट का स्थिति कैसा है, कौन सा ब्रांच यहां अच्छा है और क्या आपकी यहां की व्यवस्था है। तो अगर आप बोकारो फुटरी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में लगातार बने रहे, मैं टोटल डिटेल दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कि बोकारो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, ये आप देख रहे हैं कि ये हॉस्टल का कैंपस है, काफी खूबसूरत सा कैंपस है। और भाई मैं थोड़ा सा कैंपस भी दिखाना चाहूंगा, तो आकर आप देखें कि ये कैंपस काफी खूबसूरत है जो यहाँ का हॉस्टल कैंपस है। और ये पूरा आप स्पेस देख रहे होंगे, यहाँ पर काफी रहने की बच्चों की व्यवस्था है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ के कुछ बच्चे जिनसे मैंने बात किया तो अब हम लोग उसका एक लाइव इंटरव्यू डालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हॉस्टल कैंपस काफी खूबसूरत बनाया गया है। और भाई ये आपका यहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसी कॉलेज के हैं, बोकारो खुटरी कॉलेज के। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बोकारो खुटरी की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा व्यक्तिगत परिचय हो जाए, तो आप लोग अपना नाम और किस ईयर में है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बता दें, कौन सा ब्रांच है आपका। तो सर आप बताएं अपना। मेरा नाम विजय कुमार है, हम 2016-19 के छात्र हैं और मेरा ब्रांच ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आप बता दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार है, मेरा ब्रांच ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैं 17-20 से। मेरा नाम कॉपी है, मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और मैं 17-20 का। ओके। मेरा नाम सचिन कुमार है, हम सेशन 17-20 के स्टूडेंट हैं, मेरा ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं 16-19 का स्टूडेंट हूँ और मेरा ब्रांच मैकेनिकल। ओके। मेरा नाम दुखिया कुमार है, मेरा सेशन 2016-2019 है और मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए, ये तो हम लोगों के लिए काफी संयोग का बात था कि यहाँ सारे सीनियर बच्चे बैठे हुए हैं और सीनियर से ज्यादा आइडिया हो पाएगा आपको, क्योंकि सीनियर्स बच्चे ही बता पाएंगे कि यहाँ का प्लेसमेंट की स्थिति कैसी है या पढ़ाई कैसी है, क्योंकि इन्होंने लंबा समय बिताया है। तो लगभग आपका 3 साल कंप्लीट होने को है और ये आप लोगों का काफी लंबा अनुभव है डिप्लोमा के इस फुटरी कॉलेज का। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ ब्रांच कौन कौन सा है। यहाँ पे 3 ब्रांच है, पहला मैकेनिकल, दूसरा ऑटोमोबाइल और तीसरा कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ 3 ब्रांच है और ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रेज किन सब कौन सा ब्रांच का है। सबसे ज्यादा क्रेज यहाँ पे 2 ब्रांच का है, मेनली देखा जाए तो एक मैकेनिकल और दूसरा ऑटो। अच्छा, मतलब यहाँ 2 ब्रांच का क्रेज ज्यादा अच्छा है, मतलब कि बोकारो फुटरी में अगर आप लेना चाहते हो तो आप मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल ले सकते हैं। तो यहाँ लाने मैंने मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल लेने के लिए बच्चों को रैंक कितना लाना होगा लमसम। देखिए मैकेनिकल का वैसे भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है हर जगह, तो अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट में तो यहाँ के लिए आपको अप्रोक्सीमेट CML रैंक 1400 के आसपास चाहिए, 1400 के अंदर ही चाहिए। मैंने 1400 के अंदर अगर आएगा तो मैकेनिकल मिल पाएगा और ऑटोमोबाइल के लिए वही 2500, मतलब कि 2500 रैंक में, मतलब 2500 रैंक में लगभग ऑटोमोबाइल आपको बोकारो फुटरी में मिल जाएगा। तो चलिए, और दूसरा बात, अब यहाँ चूंकि बच्चे जब आते हैं तो भाई रहने उने की फैसिलिटी की बात करते हैं तो भाई थोड़ा सा बेसिक हम लोग आइडिया ले लेते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो पानी उनी का व्यवस्था प्रॉपर, बिजली उजली सब सही है, बिजली कटता है कि नहीं अभी तो? नहीं, अभी जैसे हम लोग यहाँ 3 हॉस्टल्स हैं, एक वो मराठी छात्रावास, दामोदर छात्रावास, अरे वो गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा। गर्ल्स हॉस्टल साइड में है चार क्वार्टर तरफ, तो बिजली और पानी का यहाँ प्रबंध है। एक वो 2 मोटर भी बना हुआ है और इमरजेंसी की साइड में भी 2 का आपका बना हुआ है, सम भी है, सम से मोटर से सम में जाता है पानी, सम से फिर सप्लाई होता है। okay. दोनों मतलब ये बॉयज हॉस्टल भी लड़की लोग के लिए व्यवस्था ही फैसिलिटीज है और सोलर पैनल वगैरह लड़की लोग के लिए लगाया हुआ है, हालांकि अभी चालू नहीं हुआ है लेकिन आशा है कुछ दिन में चालू हो जाए, मतलब सोलर पैनल सारा भी अभी जोड़ दिया गया और आगे हो सकता है कि कुछ दिन में जनरेटर वगैरह का भी प्रबंध हो जाए, फिलहाल अभी नहीं है। और मैं बात करना चाहूंगा अब खाने पीने और रहने के होने वाले खर्च का, क्योंकि भाई बच्चे रहते हैं और भी गवर्नमेंट कॉलेज में तो काफी प्रॉब्लम होता है, ये फाइनेंशियल भी देखना होता है।
तो मुझे बताएं यहाँ पर रहने का खर्च लमसम क्या पड़ जाता है? जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्टल है तो रहने का खर्च तो बहुत ही कम है, जैसे आप यहाँ सब ईयरली होता है, सालाना सालाना आपका लगभग 1200 रुपया पड़ता है एडमिशन का टाइम। अच्छा, बस उसके बाद जैसे आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपका 900 या 1000 रुपया इस तरह करके मतलब घटते जाता है, और 200 रुपया सिक्योरिटी मेन्यू रिटर्न रिफंड भी हो जाता है। और आपका जो खाने का है, खाने का भी यहाँ मेनू है, आपको वेज नॉन वेज दोनों का ही है, किसी को अगर वेज खाना रहे तो वेज खा सकता है, नॉन वेज नॉन वेज। और 1740 रुपया मेस का फी है, मंथली है, मतलब 1740 रुपये मेस का फी मंथली है, लेकिन ये जो 1200 रुपये है ये एनुअली फी है, मतलब कि आपको महीने का अगर रहने का खर्च माने तो 100 रुपये के करीब पड़ जाता है, मतलब 1200 रुपये इसका एनुअली हो गया, और बाद में जाकर और भी घट जाता है 900 या 1000 रुपये के करीब बाकी सेकंड एंड थर्ड ईयर में आ जाता है। चलिए, तो ये आपको लमसम आइडिया हो गया होगा, अगर आप बोकारो कुटरी कॉलेज कभी लेते हो तो आपको हॉस्टल्स में क्या एक्सपेंस करने हैं, ये लमसम आइडिया के लिए ये वीडियो मैं छोटी छोटी बारीक चीजों के लिए डाल रहा हूँ, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, उन्हें खोजना नहीं पड़े और कहीं पता नहीं, यहाँ से बेसिक आइडिया हो पाएगा। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्लेसमेंट्स की, कि अब जो या पहले तो पढ़ाई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ पढ़ाई जो थ्योरिकल या प्रैक्टिकल की बातें हैं तो कैसी पढ़ाई हो रही है, थ्योरिकल टोटल क्लासेस होता है? ये थ्योरिकली हम लोग जो खुटरी है वो बेस्ट है, थ्योरिकली बेस्ट है, थोड़ा प्रैक्टिकली में थोड़ा सा वीक हो गया। अच्छा, मैंने थ्योरिकल बहुत ही बेस्ट है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कुछ इशू है, तो प्रैक्टिकल में किस प्रकार का इशू है, कि क्या क्लासेस फैकल्टीज नहीं ले रही या मशीनरी मशीनरी कभी वो क्या होता है कि जैसे मशीनरी है आपको जैसे बताया कि जिस टाइम कॉलेज सेटअप हुआ था सामान तो पहले ही दे दिया, कुछ कारण से कॉलेज बहुत साल हुआ उस मेंटेनेंस नहीं होने कारण सामान सब डैमेज हो गया, तो बस इसी कारण से जाते तो हैं लेकिन उसके बारे में सही नॉलेज नहीं मिलता। तो क्या कॉलेज में जितने भी सामान प्रैक्टिकल के लैब के हैं अभी तक मेंटेनेंस नहीं हो पाया उनका प्रॉपर? नहीं, उसको मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े सामान है मैकेनिकल्स और ऑटोमोबाइल्स के लिए। ओके, तो उसका हमको लगता है कि उसका लैब को मेंटेनेंस करने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा फंडिंग का जरूरत है, तो सरकार को ये सब ध्यान देना होगा भाई, क्योंकि डिप्लोमा जब गवर्नमेंट कॉलेजेस केवल खोल लेने से नहीं होगी, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी होनी चाहिए कि वो सारे मशीनरीज जो है वहाँ पर कंटिन्यू अपडेटेड रहे और कुछ अच्छे मशीनरीज भी यहाँ अवेलेबल कराया जाए। जैसे हम लोग चाहते हैं मैकेनिकल ऑटो वाले जो भी हैं उनके लिए सीएनसी जो मशीन है, क्योंकि अब जितना हम लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं जितना आगे सेक्टर में बढ़ रहे हैं तो ये सब ऑटोमेटेड मशीन सब चाहिए, तो हम लोग कम से कम फिलहाल उस सब के बारे में जानकारी तो हो तो गवर्नमेंट को इस सब चीज में ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो सीएनसी जैसी मशीनें गवर्नमेंट अवेलेबल करवाएं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, और मुझे लगता है कि ये ऑटोमोबाइल का एक मात्र कॉलेज है पूरे झारखंड में, तो झारखंड में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है ऑटोमोबाइल का, वो है जीपी खुटरी। तो ऑटोमोबाइल का जब एक मात्र कॉलेज है तो इसको अपग्रेडेड करना काफी इंपॉर्टेंट है, कि इसको अपग्रेड किया जाए, इसके कोर्स को भी अपग्रेड किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स आ रही है और कुछ कोर्स भी अगर एक्स्ट्रा इंक्लूड हो पाता कैड कैडिया का कोर्स करवा दिया जाता बच्चों को। जैसे हम लोग फाइनल ईयर में है तो हम लोग फाइनल ईयर के बच्चे हैं, तो जैसे ऑटोमोबाइल के हैं कि हम लोग मॉडर्न के बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न व्हीकल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब उसमें प्रैक्टिकल करने जाते हैं देखते हैं कि प्रैक्टिकल में उसका कोई सामान अवेलेबल नहीं, तो ये डिमेरिट हुआ। हाँ, ये सब प्रॉब्लम थोड़ा सा आ जाता है बेसिक रूप से। थ्योरेटिकल नॉलेज मिलते हैं बहुत, लेकिन प्रैक्टिकली मिलना भी, प्रैक्टिकल मिलने से थोड़ा सा काम करने के लिए काफी टेक्निकल स्टूडेंट है तो टेक्निकल के लिए प्रैक्टिकल जरूरी है। तो गवर्नमेंट को स्किल्स को लेकर ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिकल की सुधार करनी होगी गवर्नमेंट को अपने हर कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट मिल पाए। अब मैं बात करना चाहूंगा प्लेसमेंट के लिए, तो प्लेसमेंट के लिए क्या कंपनियां अभी बोकारो कुटरी में आ रही हैं? नहीं, अभी नहीं, हम लोग कैंपस के लिए रांची जाते हैं। अच्छा, मतलब ये कंपनियां यहाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ से बच्चों को रांची जाना होता है, जैसा मैंने बताया भी था कुछ वीडियोस में कि अभी हर कॉलेजेस जहाँ पर अगर कंपनियां नहीं पहुंच पा रही हैं उन कॉलेजेस तक, तो बच्चों को बुला लिया जाता है रांची में, एक कंबाइंड पूरा कैंपस होता है जहाँ बच्चे जाते हैं। तो अभी जो पिछले साल आप लोगों के बच्चे निकले हैं, लगभग कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो गया? क्योंकि हम लोग का नॉलेज में इतना है तो मोटामोटी 10-15 लड़के हर ब्रांचेस से हो जाते हैं, 60 में 10-15 बच्चों का लगभग हो जाता है ब्रांचेस से, हर ब्रांचेस से। तो चलिए ये भी ठीक है, लगभग 10-15 बच्चों का हो जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उसके लिए, और बाकी जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे बच्चे जो बीटेक करना चाहते हैं तो D2D का जो एग्जाम होता है, तो अभी तक D2D से यहाँ से भी काफी बच्चे जाते होंगे, एकदम ग्रेजुएशन के लिए वॉक भी निकालते हैं यहाँ से। ओके, तो ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से तैयारी करके बच्चे D2D में जा रहे हैं। चलिए ये भी चीज है कि अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बेस्ट है कि आप यहाँ से डिप्लोमा कम्प्लीट कर
और आप चाहें तो बीआईटी सिंधरी जैसे अच्छे अच्छे कॉलेज में डी टू डी के थ्रू जा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए व्यवस्था उपलब्ध है। और कुछ प्लेसमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि आप लोगों में से किन्हीं का कुछ प्लेसमेंट हुआ है तो उसके बारे में बताएं आप लोग। कोई कंफर्म ये नहीं है, लेकिन कंपनी से बोला गया कि जैसे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो प्रेशर से हम लोग कंप्लीट होते ही फिर जुलाई या अगस्त में हम लोग मेल कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब कि कंप्लीट होते ही आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा कि जुलाई अगस्त में। चलिए, तो ये छोटी सी बातें हो गई कि कॉलेजेस में किस तरह का है, आपको प्लेसमेंट्स के लिए भी कंटिन्यू अवेयरनेस रखनी होगी थोड़ा सा कि हो सकता है राती में कब का प्लेसमेंट हो रहा है, बराबर आपको अपने तरफ से जागरूक रहना होगा, वहां जाना होगा और कंटिन्यू उसकी तैयारी करनी होगी। तो फिलहाल चलिए, मैं तो पहले आप लोगों को शुभकामना देना चाहूंगा कि इसी आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है और आप लोग बेहतर अच्छे से अच्छा जॉब लें, क्योंकि आप लोग तो अब जो 2019 के बच्चे हैं उनको कुछ स्पेशल संदेश देना चाहेंगे आप बोकारो कुटरी पूरे परिवार की तरफ से कि 2019 के बच्चे जो पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले बात, बोकारो कुटरी परिवार की तरफ से आने वाले सभी को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कि यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो जैसे टेक्निकल संस्कार टेक्निकल या कोई भी चैनल से आप इसके बारे में आपको बहुत आउटलुक एवं नॉलेज मिल जाएगा। और रहा बात यहाँ जैसे ब्रांचेस लेने की बात अगर आती है तो हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर पहले मैकेनिकल ही ब्रांच लें, क्योंकि मैकेनिकल कोर ब्रांच है यहाँ का, 3 ब्रांच में मैकेनिकल कोर है और उसके बाद आप सीएस और ऑटोमोबाइल, ये दोनों जो सेक्टर का बच जाता है। ऑटोमोबाइल इसी कारण से क्योंकि अभी जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है जमाना, तो उसके लिए आप इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस बनता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का एकमात्र कॉलेज है ऑटोमोबाइल, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगी। और सीएस आप भी कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं और बहुत सारे कॉलेज में भी उपलब्ध है, तो आप अपना चॉइस के ऊपर यहाँ ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो भाई आज का वीडियो को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और एक आइडिया होगा बोकारो कुटरी का बेसिक, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल के लिए डायरेक्ट हॉस्टल से पहुंचता हूँ और हॉस्टल के बच्चों से सब कुछ बेहतर पता चल पाता है कि रियल स्थिति क्या है, क्या समस्याएं हैं और क्या कॉलेज में आपको बेनिफिट मिलेगा किन किन सेक्टर्स में। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यू उपलब्ध होता रहेगा। तो भाई चलिए, अब हम विदाई लेना चाहेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तो आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।